नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, शायद कल मैंने देखा था हमारे वीडियो में, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखी है नीचे कि अभी तारा मंत्र बहुत लोग बता रहे हैं, तो आप हमें इसकी जानकारी दें जरूर। और आपने ये लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में मतलब ये वीडियो तो मैं बना ही रही हूँ तारा मंत्र की। तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप जिस चीज को जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब भी मैं कमेंट बॉक्स पढ़ूंगी और जो भी मुझे मेरी जानकारी में जो चीजें हैं या आपका जो भी क्वेश्चन है और उसका आंसर मेरे पास है तो मैं जरूर दूंगी। और जिन चीजों की मैं वीडियो बना पा रही हूँ तमाम जानकारियां आपको अपने चैनल पर जरूर देने की कोशिश करूंगी। जो भी जानकारियां मेरे पास है मैं उसकी वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों जो तारा मंत्र है ये बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र मंत्र है। एक्चुअली जो तारा देवी है ये सती का ही दूसरा रूप है। तारा देवी, एक जटा, सरस्वती, ये सब एक ही रूप है। माता सती ने जब अलग अलग रूप धारण किए थे तो उसमें से एक रूप तारा देवी का भी था। तो तारा देवी शक्ति का स्वरूप है, माँ सती का ही दूसरा रूप है। तारा पीठ जहाँ है दोस्तों वहां माता सती के नेत्र गिरे थे जब सती ने अपने शरीर का दहन किया था और शिव जी उनका जला हुआ शरीर लेकर जब ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तो जो उनके नेत्र है वो जिस स्थान में गिरे वहां उस शक्ति पीठ को तारा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। वहां तारा माता की स्थापना है। तारा माता को दोस्तों हम हिंदू तो मानते ही हैं, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है ये कि बौद्ध धर्म के लोग भी तारा माता पर बड़ा विश्वास करते हैं। एक्चुअली तारा माता का अस्तित्व आज से नहीं है, गुरु वशिष्ठ जो रामचंद्र जी के गुरु थे, राजगुरु, उन्होंने भी तारा देवी की उपासना की थी। तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं तारा माता की पूजा करने मात्र से। दोस्तों जो तारा देवी है ये तमाम प्रकार के व्यक्ति के जो कष्ट है उन्हें दूर कर देती है, ये हर व्यक्ति को तार देती है, इसलिए भी इन्हें तारा माता कहा जाता है। तारा माता के आप दर्शन करने जाएं और आपका काम ना हो इस बात में कोई दम नहीं है। तारा माता का जो मंत्र है दोस्तों इसे आप अभी चैत्री नवरात्रि आ रही है, चैत्री नवरात्रि में आप इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। चैत्री नवरात्रि को करें, अमावस्या हो तब करें, पूनम के दिन करें, जो भी खास दिन आते हैं, होली है, दीपावली है, उस दिन आप तारा माता का जो मंत्र है तारा देवी का इससे आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तारा माता का मंत्र जिस दिन भी आप दोस्तों सिद्ध करने के लिए बैठे कम से कम आप 11,000 मंत्र का जाप जरूर करें। वैसे दोस्तों आपका कोई भी बड़ा काम है, अटक रहा है, आप गरीबी को लेकर के परेशान हैं, संतान का आपको सुख नहीं मिल रहा है, घर में कलह बहुत हो रही है, घर से बीवी चली गई है या घर से पति चले गए हैं, कोई बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या से निजात मिले, अतिशय गरीबी है, आप चाहते हैं कि इस गरीबी से छुटकारा मिले, कोई टोना टोटका आपके ऊपर कर दिया गया है, आप चाहते हैं कि उस टोने टोटके से आपको मुक्ति मिले, तो ऐसे तमाम समय पर आप तारा माता के मंत्र को बोल सकते हैं। जब भी आपको इस मंत्र को बोलना है उस समय दोस्तों आपको नहा धोकर के स्वच्छ होकर के या तो ग्रीन कपड़े पहनने हैं या लाल कपड़े पहनने हैं, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठना है, एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है तारा माता के नाम का, अगरबत्ती लगानी है, लाल पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं, मिठाई अर्पित करनी है। तारा माता का जो रूप है उसे आप मन में ध्यान, यदि आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर अपने सामने रख सकते हैं पूजा स्थान में, लाल या ग्रीन कपड़े के ऊपर उनकी स्थापना करके। और उसके बाद दोस्तों
आप 108 बार इस मंत्र को बोले जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम तारे तू तारे तुरे सोहा, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। 108 बार आप इसका जाप करें और अपनी इच्छा बोले माता रानी के सामने, माता रानी की आरती उतारें, कपूर आरती करें और उसके बाद में मिठाई तमाम लोगों को बांट दे, घर के सभ्यों को बांट दे और जो भी आपका काम है दोस्तों बहुत जल्दी पूरा होता है। और इस क्रिया को आप एवरी डे करें, कम से कम आप 11 दिन बैठ करके करें, रोज करें। नवरात्रि में आप करते हैं तो नवरात्रि में दोस्तों जो नवमी का दिन है, नवमी के दिन आप इनकी पूजा करें। नवमी वाले दिन आप नहा धोकर के जैसे मैंने बताया है वैसे आप बैठ जाएं और इस मंत्र की 11,000 मतलब तुलसी की माला ले लें और 11,000 आप जाप कर दें, ये मंत्र आपको सिद्ध हो गया। उसके बाद में आप चाहेंगे तो दूसरे लोगों की भी मदद करने लग जाएंगे। जैसे इस मंत्र के द्वारा आप पानी ले, पानी को देखते हुए आप इस मंत्र को 21 बार बोले, 108 बार बोले, पानी में फूंक मारे और जिसको देंगे उसका रोग दोष दूर हो जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर आई हुई समस्या दूर हो जाएगी। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी बीमारी दूर कर सकते हैं, किसी को छोटी मोटी कोई तकलीफ है तो उस व्यक्ति की तकलीफ दूर कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई टोना टोटका किया गया है तो आप एक अगरबत्ती ले लें और इस मंत्र को बोलते जाए, उस अगरबत्ती को गोल गोल घुमाते जाए तारा माता का नाम लेकर के, और जो उसकी भभूत निकलती है उस भभूत को आप एक पैकेट में बांधे और उस व्यक्ति को दे दें। समय समय पर वो उस भभूत को थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा, सिर में लगाए, गले में, हृदय में, नाभि में, टोना टोटका दूर हो जाएगा, रोग चले जाएंगे। मतलब यदि आपने नवरात्रि के नौवें दिन इसको सिद्ध कर लिया तो आप हमेशा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद करने में सक्षम हो जाएंगे और माता रानी की शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। तो तारा माता का जो दोस्तों मंत्र है बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है और कोई भी व्यक्ति इसकी उपासना कर सकता है। लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। किसी भी चीज को आप अपना टारगेट बना करके और इनके 108 मंत्र का आप जाप कर दे, आपका काम बहुत जल्दी होगा। कोई ऐसी बात हो दोस्तों जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। उपाय को करते रहें, खुश रहें। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं कभी भी ना अपना नंबर दे रही हूँ, ना ही किसी से ये कह रही हूँ, लिख रही हूँ कि व्हाट्सअप करें। जो भी लोग ये लिख रहे हैं कि व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें और इंक्वायरी के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट करें या इस नंबर पर हमारा कॉन्टेक्ट करें, ये तमाम लोग फ्रॉड हैं और ये लोग मेरा ही फोटो डालते हैं और इस टाइप की कमेंट लिखते हैं और काफी हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इनके हाथों लूटे जा रहे हैं। तो प्लीज सावधान रहें। मैं अगर आपको आंसर करती हूँ तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब देती हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कभी भी आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए नहीं कहती। हमेशा जो भी आंसर आप क्वेश्चन पूछते हैं उसका सीधा आंसर एक या दो अक्षरों में मैं लिख देती हूँ। प्लीज जो भी ये फ्रॉड लोग हैं इन्हें आप पहचानें और सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।